जी, तो हम लोग केपी बिगिन करते हैं फर्स्ट चैप्टर से कि भाई आपको ऐसी हम लोग सब कुंडलीज देखते हैं। ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल कुंडली होती है और जो ये नंबर्स लिखे गए हैं, ये नंबर्स हमने हाउसेस को काउंट किया हुआ है यहाँ पे। और आप ये देखोगे कि हम एंटी क्लॉकवाइज इसमें चलते हैं। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 12 हाउसेस। और क्लॉकवाइज रोटेशन हम यहाँ पे नहीं लेते, हमारे सबकी कुंडलीज में पहला घर जो है वो फर्स्ट इसमें आता है, फर्स्ट हाउस में। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12। अब ऐसे ही आप सबकी जो अपनी कुंडलीज होती हैं उसमें यहाँ पे आपको हो सकता है कि यहाँ पे 7 नंबर लिखा हो, तो आप ये मान के चलो कि भाई इस तरफ जो एंटी क्लॉकवाइज हम चलेंगे तो यहाँ पे 8 नंबर आएगा। अब ये जो नंबर्स हैं ये क्या नंबर्स हैं? ये आपके स्टार साइंस हैं। जो जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो 7 प्लैनेट्स होते हैं। राहु और केतु को हम प्लैनेट्स नहीं मानते, हम उनको शेडोज मानते हैं और पॉइंट मानते हैं इन द यूनिवर्स। तो जो 7 प्लैनेट हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, शुक्र, बुध, शनि, मंगल, तो ये उन सबकी राशिज हैं जो कि हमें नंबर्स के रूप में हमारी कुंडलियों में लिखी जाती हैं। तो अगर जैसे माना कि भाई किसी का यहाँ पहले घर में 7 नंबर लिखा है तो वो तुला राशि मानी जाएगी, तो वो लीब्रा कहेंगे हम उसको। और सेकंड में उसकी स्कॉर्पियो आएगी जो वृश्चिक राशि है। तो जो 7, 8 और ऐसे ही यहाँ पे सारा नंबर अब आपके चलेंगे। तो ये आपकी अपनी, यहाँ पे कोई भी नंबर होता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पहला ही नंबर मिलेगा हमको। आपका कोई भी 1 से 12 के बीच में यहाँ पे कोई भी नंबर जो आएगा उसका नेक्स्ट नंबर आपकी एंटी क्लॉकवाइज सेकेंड हाउस में जाएगा। तो इन नंबर्स का क्या महत्व है? इन नंबर्स का ये है कि भाई जो पहला नंबर लिखा गया है आप उस स्टार साइन को बिलोंग करते हो। आप लोग रोज अपने न्यूज़पेपर्स में स्टार साइंस पढ़ते हो कि भाई इस डेट से इस डेट तक आपके ये जो है आपकी अगर जन्म राशि आती है तो वहां से आप अपना वो दिन का वो पढ़ लेते हो कि भाई आज हमारा दिन कैसा रहेगा। तो यही चीज आपको ये नंबर्स जो है ये स्टार साइन से एसोसिएटेड है तो उससे हमें पता चलता है। तो फर्स्ट जो है जिसको हम एरीज कहते हैं, एरीज का जो लॉर्ड है वो मंगल है, मार्स है। सेकंड जिसको हम वृषभ राशि कहते हैं या जिसको हम ये टॉरस कहते हैं उसका जो लॉर्ड है वो वीनस है। थर्ड जिसको हम ये जेमिनी कहते हैं और जिसको हम हिंदी में मिथुन राशि कहते हैं उसका जो लॉर्ड है वो बुध है। फोर नंबर जो है वो हम कैंसर से एसोसिएट करते हैं जिसका लॉर्ड चंद्रमा माना जाता है। फिफ्थ हम सूर्य से एसोसिएट करते हैं जिसका लॉर्ड सन माना जाता है। सिक्स्थ अगेन हम बुध से एसोसिएट करते हैं, मरकरी से एसोसिएट करते हैं जिसको जिसको हम वर्गो कहते हैं। और सेवेंथ हम वीनस से एसोसिएट करते हैं और ये लीब्रा राशि मानी जाती है। नंबर 8 जो कि हम वृश्चिक राशि से एसोसिएट करते हैं और जिसका जिसको हम इंग्लिश में स्कॉर्पियो कहते हैं और जिसका लॉर्ड भी मंगल है। यानी कुछ ऐसे हमारे एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स हैं जिनको दो दो राशियां मिली हैं। फिर 9 को हम सेजिटेरियस कहते हैं, हिंदी में धनु राशि कही जाती है, जिसके लॉर्ड गुरु माने जाते हैं। 10th जिसका जिसका लॉर्ड सैटर्न है और जिसको हम कैप्रिकॉन राशि कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में हम इसको मकर राशि मानते हैं। 11th में एक्वेरियस है, एक्वेरियस अगेन एसोसिएटेड विद सैटर्न। हम यहाँ ये भी शनि की राशि है और इनको इसको हम कुंभ राशि कहते हैं हिंदी में। 12th हाउस जो है अगेन इट इज एसोसिएटेड विद प्लैनेट जुपिटर। इसके जो स्वामी है वो गुरु है और गुरु जो है वो 12वें में मीन राशि के स्वामी माने जाते हैं और इंग्लिश में हम इनको पाइसिस कहते हैं। तो ये जो है राशियां हमारी हमारे हर कुंडली में आपको ऐसे ही मिलेंगी। इनके स्वामी जो हैं वो किसी किसी प्लैनेट के पास दो दो
राशियां हैं। अब आपको याद करने के लिए बड़ा आसान है कि नंबर 5 और 4 ये दो ऐसी राशियां हैं जिनको सिर्फ चंद्रमा और मून, ये पूरे यूनिवर्स में बहुत की प्लैनेट्स हैं। की प्लैनेट्स क्यों माने जाते हैं? क्योंकि हम इनको नेकेड आई से देख सकते हैं, हम चंद्रमा को देख सकते हैं, हम सूर्य को देख सकते हैं। तो ये दो प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनको एक एक स्टार साइन ही मिला है, लेकिन हम इनको देख सकते हैं, हम इनको महसूस कर सकते हैं अपने ऊपर। जब लाइट पड़ती है, ठंडी चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो भी हमें अच्छा लगता है, सर्दियों में जब धूप हम पे पड़ती है तो भी हमें अच्छा लगता है। तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों प्लैनेट्स को महसूस कर सकते हैं। ये दोनों की प्लैनेट्स माने जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है वो सन के ऊपर चलती है, इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो है वो चंद्रमा के बेस पे चलती है। इवन कि आपको फॉर योर नॉलेज मैं एक चीज और बता दूं कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जो मुस्लिम एस्ट्रोलॉजी है, वो भी चंद्रमा के ऊपर चलती है। वो भी हमारी तरह लूनर पीरियड्स को देखते हैं, वो भी हमारी तरह अपने काम को हर करते हुए चंद्रमा की पोजीशन को देखते हैं, और उनके अंदर भी ऐसे ही 12 घर है और उनके अंदर भी ऐसे ही उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो आप ये मान के चलें कि भाई अब आपको इस क्लास केपी से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि भाई जब आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो सन जो है वो हर महीने राशि 30 दिन लेता है अपनी राशि बदलने के लिए। 12 महीने होते हैं साल के हमारे पास। अगर सूर्य जो है वो 30 डेज लेगा तो आपके पूरे 12 महीने हो गए, हर महीने वो राशि बदलता है। लेकिन चंद्रमा कभी कभी अपनी राशि 1.5 दिन से 2 दिन के बीच में बदलता है। कितनी बार आप देखोगे कि बीच में आप कितनी बार आप जब पंचांग खोलते हो तो आप देखोगे चंद्रमा 2.5 डेज भी कितनी बार एक ही राशि में पड़ा रहता है। तो वो डिपेंड करता है कि भाई उस महीने 30 दिन है 31 दिन है, उसके बेसिस पे ये भगवान ने अपनी कैलकुलेशन बड़े अच्छे से वो पहले से उसने कैलकुलेशन करके रखी हुई है। तो आपको कोई भी चीज जज करने के लिए केपी में भी, भाई अगर जैसे आपने माना कि अब आपको राशियां समझ में आ गई कि भाई ये राशियों का खेल है, आपके पास सिर्फ दो प्लैनेट्स हैं जिनके पास एक एक राशि ही है, नंबर 5 नंबर 4। अब आपको जैसे केपी में ये जानना है, उसी वक्त आपने कोई भी चार्ट खोल लिया, उसी वक्त का आपने चार्ट खोल लिया, आप जहां बैठे हो, आपने आप कहीं जा रहे हो, आपने चार्ट खोल लिया और आपने देखा कि भाई चंद्रमा जो है वो 6, 8, 12 के घरों में कहीं से गोचर कर रहा है, तो आपको समझ जाना है केपी के थ्रू कि भाई ये जो है 6, 8, 12 में गोचर कर रहा है, यानी कि भाई जो चीज मैं करने जा रहा हूं उसमें मुझे रुकावट आ सकती है। तो ये सारी चीजें जो है हम केपी के माध्यम से सीखेंगे, ताकि आप लोग केपी को हम अपने हर मिनट पे यूज कर सकते हैं जब एज रिक्वायर्ड। तो केपी एक ऐसी एस्ट्रोलॉजी है जो इवेंट को एग्जैक्टली बता देती है कि भाई ये कैसे घटित होगा। तो इसके अंदर दो की प्लैनेट सन एंड मून प्लस बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनके पास दो दो हाउसेस हैं, और वो जो हाउसेस हैं आप लिख सकते हैं, अगर किसी को लिखना कोई लिखना चाहता है जो लोग नए हैं एस्ट्रोलॉजी में, कि भाई एरीज का लॉर्ड 1 एंड 8 का लॉर्ड जो है मार्स होता है, और ये जो लॉर्ड है इसके पास दो राशियां का स्वामी है, एरीज एंड स्कॉर्पियो। ऐसे ही सेकंड नंबर जो आता है एस्ट्रोलॉजी में उसका लॉर्ड वीनस माना जाता है, वीनस के पास भी 2 एंड 7। अच्छा, अब आप यहां पे इसको ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं कि 2 एंड 7 नंबर 27 नंबर, ये मान के चलें कि भाई ये वीनस है, और इसका जो स्टार साइंस आते हैं वो आते हैं टॉरस एंड लिब्रा। नंबर थ्री जो है हम उसको एसोसिएट करते हैं प्लैनेट मरकरी या बुध से, उसके पास भी 3 एंड 6 36 नंबर जो है वो बुध से एसोसिएट होता है, मरकरी से एसोसिएट होता है। उसके जो स्टार साइंस का नाम आता है वो आता है जेमिनी एंड वर्गो। ऐसे ही अगर आप देखोगे 9 एंड 12, ये जो 9 एंड 12 है ये
एसोसिएट होता है प्लैनेट जुपिटर से, गुरु से, और इनके स्टार साइंस सेजिटेरियस एंड पाइसिस है। हिंदी में इसको धनु और मीन राशि कही जाती है। नंबर 10 एंड 11 एसोसिएट्स विद प्लैनेट सैटर्न, और इनकी जो राशि का जो नाम है वो है मकर और कुंभ, और इंग्लिश में इसको कैप्रिकॉन और एक्वेरियस कहा जाता है। तो ये हमारे आपको हर कुंडली में, यहाँ पे हो सकता है कि भाई किसी के इस जगह पे यहाँ पे आपको 8 नंबर लिखा हो, यहाँ आपको जो नंबर आपके पहले घर में होगा उस नंबर को आपने मान लेना है कि भाई वो आपका नंबर है। जैसे किसी का यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, तो ये जो 4 नंबर यहाँ पे लिखा है वो जो बंदा है वो इंसान कैंसर को बिलोंग करता है, यानी उसके उस बंदे के अंदर चंद्रमा के गुण पाए जाते हैं। हर जब हम प्लैनेट्स के बारे में, इस क्लास में हम प्लैनेट्स को भी कवर करेंगे, आज हम हाउसेस को कवर करेंगे।